हेलो दोस्तों, अंकित टेक एंड ब्लॉग के अकाउंट में स्वागत है। तो निकलना है इस समय दिल्ली के लिए और आज की अपनी यात्रा स्पेशल रहने वाली, क्योंकि आज जो अपना कोच रहेगा वो है थर्ड एसी का इकोनॉमी क्लास। तो पहली बार इसमें सफ़र करेंगे और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें नया है, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी इसमें ट्रैवल नहीं किया है। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और काफ़ी दिन के बाद ट्रैवलिंग का ब्लॉग लेके आ रहा हूँ, तो चलिए वीडियो में बने रहिए फिर आगे। तो फाइनली अपना सामान अपलोड हो चुका है और निकलते हैं घर से। दरवाजा खुला किसी का। तो फाइनली निकल चुके हैं अब घर से स्टेशन के लिए। टाइम हो रहा है 3:30, ट्रेन है अपनी 4:25 की। तो वो रही अपनी गाड़ी पार्क्ड और ये है आपका आजमगढ़ स्टेशन। चलते हैं, देखते हैं बोगी कहाँ लगी है। बाकी तो अपना एक वो सामान है, एक मेरे पास पीठ पे है। इधर तो B1 B2 लगा हुआ है, इसके आगे ही होगा वो ME1 करके है। लेट्स सी, E1 वो आगे लगा हुआ है। ये आपका AC 3 tier नॉर्मल वाला है और ME1 वो आगे। और कुछ ऐसा दिखता है आजमगढ़ का स्टेशन आगे है। तो कुछ ऐसा है ME1 का एंट्रेंस और पूरा सब कुछ वाइट कलर का है इसमें। ये है मेरा पीठ का सामान, ये कुछ बेसिन का एरिया और पानी वानी सब पैर से निकलता है इसका, यहाँ से इस जगह से नीचे प्रेस करेंगे और ऊपर पानी निकलेगा। चलते हैं अंदर की तरफ। और ये आपको कुछ इस तरीके का डोर देखने को मिल जाता है, उसके जैसे नहीं कि आप पुश करिए तब खुलेगा। तो कुछ ऐसा दिखता है इकोनॉमी क्लास 3rd tier AC का और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये नॉर्मल वाले से। इसमें चार्जिंग पोर्ट और बाकी वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, बॉटल होल्डर वोल्डर। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग लाइट कह रहे हैं, आपको लाइट मिल जाएगी। यहाँ USB का पोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे चार्ज करने के लिए अलग से लैपटॉप का। और कर्टेंस भी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है ये अपनी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा वो जो है वो बोतल होल्डर, और दिखा देते हैं आपको बोतल होल्डर कैसा दिखता है। देखिए कुछ इस तरीके का बोतल होल्डर दिखाई देता है, इसको ऐसे खोलेंगे तो ये खुल जाएगा इस तरीके से। और उसी के साथ साथ में यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाती है देखने के लिए। उसके साथ में इधर इसके पीछे USB का भी होगा चार्ज का, ये आपको सेकेंड वाले पैसेंजर के लिए। उसके बाद इधर लाइट और बाकी सबका स्विच, अगर लैपटॉप चार्ज करना है तो उसके लिए यहाँ पे, वहाँ पे भी आपको अलग से मिल जाता है। तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है नॉर्मल वाले से। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पे मिरर भी देखने को मिल जाता है और ये छोटा सा एक बिल्कुल बीच में अलग से लगाया गया, ये लास्ट का हम लोग को मिला था, यही बचा होगा मेरे ख्याल से। इसलिए कुछ ऐसी सीढ़ी देखने को मिल जाती है छोटी छोटी स्टेप्स चढ़ने के लिए ऊपर। उसी के साथ साथ बाथरूम की अगर बात करें तो बाथरूम भी दिखा देते हैं आपको। तो कुछ इस तरीके का वॉशरूम देखने को मिलता है, इसमें भी आपको पूरा पैर वाला सिस्टम ही में मिलेगा। वहाँ पे जब इस जगह पे प्रेस करेंगे तब देखिए ऊपर पानी आएगा। CCTV देखने को मिल जाता है अलहुआ का। उसके अलावा बताते हैं आपको, देखिए वहाँ पे ऊपर में भी CCTV देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें कि नया नया कोच है, इसका किराया भी उससे लगभग कम है, 100-150 रुपये। वहाँ देखिए AC इकोनॉमी भी लिखा हुआ है। और ज़रूरी बात बता दें आपको, इसमें लिखा हुआ है देखिए, नो लिनन विल बी प्रोवाइडेड इन दिस कोच यहाँ पे। तो जब भी आप आएँ तो अपना सब कुछ तकिया वकिया सब कुछ ले कर आएँ, कम्बल वम्बल, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सामान रखने वाला ये भी आपको फाइबर का मिलता है, ग्लास का नहीं है ये। उसमें तो आपको जाली जाली मिल जाती है, इसमें आपको फाइबर का मिलता है ये। और उसके अलावा जो स्पेस है ये वाली इतनी सी जगह की लास्ट वाले की, वो काफ़ी कम है उसके मुकाबले। और अगर डिफरेंस की हम बात करें तो इसकी जो सीट लेंथ है
वो भी काफ़ी कम है, चौड़ाई जो विड्थ इसकी जो है वो कम है उसके मुकाबले। उसके अलावा ये जो स्पेसिंग है गैप ये वाला, ये भी कम है उसके मुकाबले। तो ये सब कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं इसमें और उसमें। और वो खड़ी थी लोकमान छपरा मुंबई वाली गोदान एक्सप्रेस। फाइनली वो जाते हुए 4:15 समय लगभग हो रहा है और ये चलेगी अपनी 4:25 पे। तो तीन प्लेटफॉर्म है आज़मगढ़ में, जिस पे ये खड़ी है वो एक नंबर है, फिर इसके बाद ये दो नंबर है बीच वाला, और वो तीन नंबर है उधर वाला, इसके बाद उधर वॉशिंग लाइन और ये सब। और मुझको याद है बचपन में जब हम लोग को पार करना था इस पार से उस पार, क्योंकि वो जो ब्रिज दिखाई दे रहा है वो नहीं था, वो अभी बना है लगभग 5-7 या 10 साल पहले। तो उस समय ज़्यादा ये नहीं था यहाँ पे प्लेटफॉर्म, एक वो था तो उस पर कोई ट्रेन में नहीं आया करती थी, दो नंबर और एक ये एक नंबर, तीन पटरियाँ हैं बेसिकली यहाँ पे, तीन प्लेटफॉर्म नहीं, तीन पटरियाँ हैं यहाँ पे। तो हम लोग इससे पार करते थे नीचे उतर के उसके बाद उस पार, क्योंकि कभी कभार ट्रेन उस पर भी आ जाती थी, पसेंजर बलिया वाली। 4:17 हो रहा है इस समय और देखते हैं कब तक चलती है। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है आपका थर्ड इकोनॉमी, और उसी के साथ साथ में आगे जैसा भी होता है वैसा आपको दिखाते चलेंगे दिल्ली तक। ठीक है, तो केवल जाने का है, उसके बाद से आने का भी इसी तरीके से है, तो उसमें भी आपको दिखा देंगे और कुछ कुछ नया देखने को मिलेगा। बाकी तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं नॉर्मल वाले में और इसमें, क्योंकि उसमें आपको ब्लू कलर का सब कुछ देखने को मिलता है, इसमें आपको वाइट कलर का सब कुछ देखने को मिलता है। और अगर अभी तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक तो इसमें कंबल और उसके बाद चादर तक नहीं मिली है, वो शायद आगे मिले देखने को। अभी तो ट्रेन ही आज़मगढ़ स्टेशन पर खड़ी हुई है।